दोस्तों चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अनीस जंग है, जिनका जन्म हुआ था 1964 में राउर किला में। बचपन और जवानी दोनों ही उनकी हैदराबाद में गुजरी थी। एडुकेशन जो थी उनकी, वो हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वहाँ पर हुई थी। और उनके जो पेरेंट्स थे, माता पिता, वो दोनों ही एक राइटर थे। और अनीस जंग ने भी अपना करियर एज अ राइटर इन इंडिया शुरू किया। तो अब बढ़ते हैं हम चैप्टर की ओर। साहिब एक कोड़ा बिनने वाला लड़का है जो कि कूड़े में सोना ढूंढने की कोशिश करता है। उसकी फैमिली बांग्लादेश से है और उन्होंने बांग्लादेश कब का छोड़ दिया है। बांग्लादेश इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ एक बार बहुत बड़ा तूफान आया था, अब जिसकी वजह से उनका सब कुछ बर्बाद हो गया था और उन्हें घर छोड़ना पड़ा। ऑथर साहब को रोज़ कूड़े के ढेर में कुछ ना कुछ खोजते हुए ज़रूर देखती हैं। तभी एक दिन ऑथर ने उसको स्कूल जाने का प्रस्ताव दिया। उसके सामने एक प्रस्ताव रखा कि क्या तुम स्कूल जाना चाहोगे। फिर साहब ने जवाब दिया कि यहाँ आसपास कोई स्कूल नहीं है। फिर ऑथर मजाक मजाक में बोलती है कि अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूँ, मैं खुद का स्कूल शुरू करूँ, तो क्या तुम आओगे। फिर साहब उसके पास आया और स्कूल के बारे में पूछने लगा। हाँ मैं जाऊँगा, बताओ कहाँ है स्कूल। फिर ऑथर को काफ़ी एम्बेरेस्ड फील हुआ, बहुत शर्मिंदगी फील हुई उस वक्त। ऐसा क्यों? क्योंकि यह प्रॉमिस था जो उसका, यह भी उन अदर प्रॉमिसेस की तरह था जो कि गरीब बच्चों से किए जाते थे, मतलब पुअर चिल्ड्रन से उनसे प्रॉमिस किया जाता था कि आपके लिए ये किया जाएगा, बट उनका प्रॉमिस प्रॉमिस ही रह जाता था, कभी कुछ किया नहीं जाता था। तो एक दिन ऑथर ने उससे उसका नाम पूछा, तो वह लड़का बताता है कि मेरा नाम है शाहिब ए आलम, जिसका मतलब था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे जहां का मालिक। वहां पर काफ़ी रैक पिकर्स थे, मतलब कूड़ा कचरा बिनने वाले लड़के, तो ज़्यादातर के पास तो चप्पलें भी नहीं थीं। अनीस जो कि ऑथर हैं, उसको बताया गया है कि चप्पल पहनना भी एक यहाँ का ट्रेडिशन है। जिस बात को अनीस ने समझा कि यह गरीबी छुपाने का एक बहाना है। उसके बाद ऑथर याद करती है कि एक लड़का था जो कि प्रे करता था कि उसे एक जोड़ी जूते मिल जाए कहीं से। और फिर 30 साल बाद ऑथर वहाँ दोबारा जाती है और देखती है कि उस पुजारी का एक नया घर बन गया है। एक लड़के ने जुराबे और जूते पहने हुए हैं, मगर ऑथर अभी भी उन रैक पिकर्स के बारे में सोचकर उदास थी कि वे अभी भी शूजलेस थे। जो रैक पिकर्स थे वो दिल्ली की सरहद पर सीमापुरी में रहते थे। वे मिट्टी के बने हुए घरों में रहा करते थे जिनकी छतें टीन से बनी हुई करती थी। वे सामान्यतः ज़रूरत वाली चीज़ों से भी वंचित रहा करते थे। सामान्य ज़रूरत वाली चीज़ें भी उनको मिल पाना बहुत मुश्किल हो गया था। एकमात्र भोजन पाना ही उनके लिए सबसे ज़रूरी था ताकि उन्हें भूखा ना सोना पड़े। साहब बताते हैं कि कभी कभी उसे 10 रुपये या फिर 1 रुपये का सिक्का गार्बेज में पा जाता था और वही उसके लिए गोल्ड होता था। मैंने शुरुआत में बताया था कि वह सोना खोजा करता था, तो वो सोना गोल्ड यही 10 या 1 रुपये होया करते थे। कहानी में आगे बढ़ते हुए एक ठंडी सुबह अनीस जंग ने नोटिस किया कि साहेब ने टेनिस शूज़ पहने हुए थे जो कि उसके फीके और उड़े हुए कपड़ों से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। और तो और वो उसको बहुत प्यारे थे, वो जो कपड़े उन्हें पहने हुए थे और शूज़, वो उसको बहुत प्यारे थे। उसके बाद फिर भी एक दिन ऑथर ने साहेब को कंटेनर ले जाते हुए देखा। वह मिल्क बूथ पर जा रहा था, उसे एक टी स्टॉल पर जॉब मिल गई थी 800 रुपये पर मंथ के सौदे पर प्लस खाना पानी। पर फिर भी ऑथर ने एहसास किया कि वह अभी भी चिंता मुक्त, केयर फ्री नहीं हुआ था। यहाँ साहिब की बात की जा रही है ऑफकोर्स, क्योंकि वह अपनी नौकरी और जिम्मेदारी के चक्कर में इतना बंद गया था कि वो अपनी ज़िंदगी को खुल के जी नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर हो जाता है पहली कहानी का अंत। अब यहाँ से दूसरी कहानी शुरू होती है, वो है मुकेश की। ऑथर बताती हैं कि मुकेश एक यंग बॉय है जो कि फिरोजाबाद की एक ग्लास फैक्ट्री में काम करता है। उस ग्लास फैक्ट्री में चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, बैंगल्स मेकिंग। तो मुकेश ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो कि सिर्फ बैंगल मेकिंग है, लाइक अदर फैमिलीज, दूसरी फैमिली की तरह। और इस बारे में बताता है कि कुछ परिवार अपने बच्चों को इन ग्लास फैक्ट्री में काम करने के लिए लगा देते हैं, वो भी इस यंग एज में।
मुकेश आसानी से ऑथर को अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि अभी दोबारा बना है। वे एक आधी झोपड़ी में रहते हैं। एक जवान औरत खाना बना रही थी, वह मुकेश के बड़े भाई की बीवी थी, द बहू ऑफ द फैमिली। फिर एक बड़ा बूढ़ा आदमी अंदर आता है, जिसको देखकर बहू ने अपना घूंघट डाल लिया, अपना चेहरा हाइड कर लिया। ओल्ड मैन बैंगल मेकर था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी टेलर का काम किया है, फिर बैंगल मेकिंग का काम शुरू कर दिया। वैसे तो वह अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाया, पर फिर भी उसने उन्हें बैंगल बनाने की कला सिखाई दी थी। मुकेश की दादी जो हैं वो डेस्टिनी में बहुत बिलीव करती हैं। उनका मानना है कि डेस्टिनी नाम की चीज़ होती है। वो कहती हैं चूड़ी बनाने का काम उनके वंश का काम है। जवान लड़के और लड़कियां उन बैंगल फैक्ट्रीज में काम करते हैं और उस छोटी सी उम्र में ही अपनी आईसाइट खो देते हैं। सविता नाम की एक लड़की है जो कि पिंक ड्रेस पहने हुई है। वह भी अपने माता पिता के साथ काम करती है। उसके हाथ अंधेरे में भी काफ़ी तेज चलते हैं। उसे अभी इस बैंगल्स की कीमत का नहीं पता इस एज में कि इंडियन वूमेन की लाइफ में इसकी क्या वैल्यू है, मगर जब उसकी शादी होगी उसको इसकी असली कीमत पता चल जाएगी। एक बात सोचने वाली यह है कि ये सब छोटी बच्चियां जो चूड़ियां बनाती हैं, ये एक दिन शादीशुदा होंगी, फिर यही चूड़ियां वो पहना करेंगी, तब उन्हें इन चूड़ियों की वैल्यू होगी। बिल्कुल उसी बूढ़ी औरत की तरह जो उसके वहीं पास बैठी होती है। वह भी कभी दुल्हन थी, उसके हाथ में भी कभी चूड़ियां थीं, मगर आज उसकी आंखों में रोशनी नहीं है और उसने आज तक पेट भर खाना भी नहीं खाया है। यही है उसकी कमाई। फिरोजाबाद में रहने वाले सबकी बस यही प्रॉब्लम है कि उनके पास पैसा नहीं है। किसी भी बैंगल मेकर्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, और ये हमेशा से होता रहा है, कुछ नहीं बदला। ऑथर कहती है, तो आप सब लोग मिलकर एक सरकारी संस्था या फिर समूह क्यों नहीं बना लेते हो? वे लोग बोलते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो पुलिस वाले ही हमें पीटेंगे और जेल में डाल देंगे। उनका कोई लीडर नहीं है, वो सिर्फ गरीबी के एक सर्कल में ऐसे फंसे हुए हैं कि निकल ही नहीं सकते। उसकी बातों को सुनकर पता चलता है कि यहाँ दो संसार हैं, एक जो गरीबी में फंसा है तथा जाति के कलंक के नाम पर दबा हुआ है, दूसरा सरकार दलालों पुलिस लीडर पॉलिटिशियंस के चंगुल में है। और जो छोटे बच्चे हैं वो भी यह सब देखकर इसी को अपना लेते हैं, जैसे उनके माता पिता करते हैं वो भी वैसा ही करने लगते हैं। कोई इन सब से हटकर सोचने का साहस ही नहीं कर पाता है, सब लोग इसी में फंसे रहते हैं। मगर ऑथर एंड में एक चीज़ देखती है कि मुकेश के अंदर वो साहस है जो दूसरे लोगों के अंदर नहीं है। मुकेश अपना सपना पूरा करना चाहता है, वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वह गैरेज में जाएगा और काम सीखेगा। फिर ऑथर सोचती है, वह अपने मन में सोचती है, वह एरोप्लेन उड़ाने के सपने नहीं देखता, क्योंकि फिरोजाबाद की गलियों के ऊपर से एरोप्लेन्स बहुत कम उड़ते थे। और बस इतना सोचने के बाद ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर। तो पहला क्वेश्चन ये है कि फिरोजाबाद सिटी को क्या चीज़ फेमस करती है? तो फिरोजाबाद को फेमस करती है वहाँ की चूड़ियाँ। और फिरोजाबाद एक केंद्र है पूरे भारत के लिए जहाँ पर चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा बनती हैं। कई फैक्ट्रियाँ हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी जनरेशन तक यहाँ पर काम कर रही हैं, जिनके दादा परदादा यहाँ पर काम करा करते थे और वो लोग भी आज भी कर रहे हैं। वहाँ पर चूड़ियों की बनावट होती है, चूड़ियों की कटाई होती है, सब कुछ काम वहाँ पर होता है, और पूरे भारत के लिए यहीं से चूड़ियाँ जाती हैं। तो ये था यहाँ पर इसका फर्स्ट आंसर। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। और गाइस ध्यान रहे कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुकेश किस तरह से दूसरे बैंगल मेकर से अलग है? तो मुकेश इस तरह से अलग है कि वो सपने देखने का साहस रखता है और वो ये मना करने की हिम्मत भी रखता है कि मैं इस ट्रेडिशन को, ये जो पीढ़ी चलती आ रही है ये काम करने की प्रथा, इसको मैं नहीं चलाऊंगा। बल्कि वो इस चीज़ पर जोर देता है कि वो अपना खुद का काम करना चाहता है,
और वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और उसको बनने के लिए वो बहुत डिटरमाइंड है और उसको बस अचीव करना चाहता है अपने सपने को। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मुकेश कौन है और उसका क्या सपना है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं जैसे कि नीचे लिखा हुआ है। तो आपको आंसर करना है, मुकेश एक पुअर बैंगल मेकर का बेटा है जो कि फिरोजाबाद में रहता है, और मुकेश अपने पिता की हेल्प तो करता है मगर उसके अंदर एक साहस भी है जो कि वो अपना कार मैकेनिक बनने का सपना है वो उसको पूरा भी करना चाहता है, और उसके लिए वो अपने घर से दूर भी जाने के लिए तैयार है, और वो वहाँ जाकर गैराज में काम सीखेगा और अपने आप को ट्रेन करेगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को अपने शेयर जरूर कीजिएगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड हैव अ गुड टाइम।